नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार को जरूर लॉक कर दिया गया है, लेकिन अपराधी जो हैं वो अनलॉक हुए हैं, इसलिए क्योंकि बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी जहां एक तरफ सभी लोग अपने घरों में हैं, तो वहीं अपराधी जो है वो हत्याओं को अंजाम देने में अभी भी सफल हो रहे हैं। ताजा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले से हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक और हत्या हुई है। और इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि बिहार में लगातार हत्याओं का दौर इसलिए भी जारी है क्योंकि देर रात की खबर है, जहां सिवान में भी एक महिला की हत्या कर दी गई, छेड़खानी का उसने विरोध किया था। और अब सुबह सुबह ही ये खबर बिहार के समस्तीपुर से आती है, जहां पर एक शख्स को बाइक पर सवार अपराधी आते हैं और गोलियों से भूनकर निकल जाते हैं। बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। बिहार में लॉकडाउन के बीच अपराध की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां सदर अनुमंडल के कल्याणपुर थाना इलाके में बेखौफ अपराधियों ने खेत में गए बाइक सवार युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब शोर मचाते हुए मौके पर पहुंचे, तब अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। घटना कल्याणपुर थाना इलाके के कल्याणपुर पंचायत अंतर्गत घोघरा गांव की बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान चकमेहसी थाना इलाके के अमरेश कुमार उर्फ मुनचुन के रूप में की गई है। ग्रामीणों द्वारा गोलीबारी की और हत्या की वारदात की सूचना स्थानीय कल्याणपुर थाना को दे दी गई, लेकिन घटना के 3 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखने को मिलता है। लगातार ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को फोन किया जाता रहा, तब तक जब तक 4 घंटे नहीं बीत गए। और 4 घंटे के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भेजा गया। हत्या की इस वारदात के पीछे क्या वजह है, ये अभी साफ नहीं हो पाई है। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में परिजनों ने बताया कि मृतक के ऊपर पहले भी कई बार हमला हुआ था, जिसको लेकर चकमेहसी थाना में मामला दर्ज कराया गया था। परिजनों ने शक जाहिर किया है कि जिन लोगों ने पूर्व में विवाद किया था, उन्हीं लोगों के द्वारा हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब इस मामले में परिजनों का फर्द बयान दर्ज कर पुलिस मामले की प्रक्रिया में जुट गई है और इस मामले की पूरी छानबीन की जा रही है। बाइक सवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया है, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई है मौके पर ही। और उसके बाद लगातार बिहार में जो है अपराध का दौर चल रहा है, लगातार बिहार में हत्याओं को अंजाम दिया जा रहा है। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की गई है और ये सोचकर कि लोग अपने घरों में रहेंगे, लेकिन इस बीच अपराधी जो हैं वो अनलॉक हो गए हैं। अपराधी इतने पर भी हत्या को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये घटना समस्तीपुर में जब घटी, उसके बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं लोगों का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है। एक और घटना घटती है आज अगर देर रात की बात करें, तो लॉकडाउन के अवधि चल रहा है और ऐसे में सिवान में अपराधियों ने छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला की हत्या कर दी। बुधवार की रात्रि महिला अपने बच्चों के साथ अपने छत पर सो रही थी, तभी अपराधी उसके छत पर आए और छेड़खानी करने लगी। महिला ने विरोध किया तो अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद पुलिस फिर इस मामले की छानबीन में जुट गई। और खबर यह भी है कि इस मामले में भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार अब तक नहीं किया है। तो वहीं दूसरी घटना समस्तीपुर से आ जाती है, जो बड़ी घटना है। यहां पर खेत में काम करने गए युवक को गोलियों से भून दिया जाता है। खेत में बाइक से गया हुआ था युवक किसी काम से, और वहां पर अपराधी पहुंचते हैं और गोलियां चलाकर उसको पहले तो उसकी हत्या कर देते हैं, उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस 3 या 4 घंटे बाद वहां पहुंचती है। तब तक लोगों में आक्रोश व्याप्त हो चुका होता है। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।